नमस्कार। झारखंड CMMSS अर्थात मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति 2022। आप जानते हैं कि यह छात्रवृत्ति 2022 में पहली बार आयोजित हुआ है। इसके गणित का सॉल्यूशन मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं और वह इसका पार्ट 1 वीडियो है। कुल इसमें 30 प्रश्न थे। पहले 15 प्रश्नों को मैं पार्ट 1 वीडियो में सॉल्व कर रहा हूं और अगले पार्ट 2 में बाकी 15 प्रश्नों को हल करूंगा। यहां प्रश्न संख्या 151 है। यहां से शुरू होता है गणित। ए प्लस बी इज़ टू बी प्लस ए कहलाता है। ये कौन सा सही होगा? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। प्रश्न संख्या 152। किसी संख्या में 10 जोड़ने पर 20 हो जाती है, इस कथन का समीकरण रूप क्या होगा? तो बताइए क्या होगा। एक्स प्लस 10 इज़ टू 20। काफी आसान है ये। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 153 बहुत आसान है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों की माप का योगफल होता है, तो ये हम लोग जानते हैं, ये 360 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 154। किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, तो ये होते हैं समान होते हैं। आप देखें, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो इसके गुण क्या होते हैं? ये समांतर चतुर्भुज है, इसके सम्मुख कोण, अच्छा इसका नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी। सम्मुख कोण अर्थात ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, अर्थात डी और बी ये कोण बराबर होंगे, ए और सी बराबर होंगे। और ये जो आसन्न के कोण होते हैं, डी और सी, ए और बी, बी और सी, ए और डी, इसे आसन्न कोण कहें या संलग्न कोण कहें, इनका योग 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 155 से 161 तक एक दंडालेख दिया गया है और इसका अवलोकन करके इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 155 से 161 तक के प्रश्नों को का उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम लोग दंडालेख देखते हैं क्या है। ये दंडालेख है, यहाँ किसी परिवार का जो विभिन्न मद में खर्च है उसे दिखाया गया है एक्स एक्सिस पर। तो ये है पहला नौकर का वेतन, परिवहन, किराया, भोजन, फीस और मनोरंजन। और इधर उस उन मदों पर खर्च किए गए रुपयों को दिखाया गया है। स्केल है 1 सेंटीमीटर बराबर 1,000, अर्थात ये जो देख रहे हैं, एक यानी 1,000, ये 2,000, ये 3,000, ये 4,000, ये 5,000, ये 6,000। तो हम इसे इस तरह से देखते हैं। नौकर का वेतन यहां देख रहे हैं कितना आ रहा है, 1,000 आ रहा है। तो नौकर के वेतन पर 1,000 रुपया खर्च किया जा रहा है। इसके बाद परिवहन, तो यहां देख रहे हैं, यहां से देखेंगे ये 6 है, यानी 6,000 खर्च हो रहा है। किराया पर यहां से देखिए ये 4,000 खर्च हो रहा है। भोजन यहां से देखिए ये 5,000 खर्च हो रहा है। फीस आप यहां से 36 देखिए, ये 2,000 खर्च हो रहा है फीस पर। और मनोरंजन पर ये 3,000 रुपये खर्च हो रहा है। तो अब इसी के आधार पर प्रश्न है, इनका जवाब हमें देना है। इसे एक बार दंडालेख को इसे बार ग्राफ भी कहते हैं इंग्लिश में। आप इसे अच्छी तरह से समझ लें, देख लें। चलिए अब प्रश्नों को हल करते हैं।
क्या प्रश्न है? किस मद पर अधिकतम व्यय हुआ? तो यहां पर देखिए, सबसे बड़ा दंडालेख कौन है? जो दंड है सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये हम देख रहे हैं परिवहन है, 6,000, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा परिवहन। इसके बाद किस मद पर न्यूनतम व्यय हुआ? तो आइए फिर से दंडालेख एक बार देखते हैं, सबसे छोटा दंड कौन सा है? ये सबसे छोटा दंड ये है नौकर का वेतन, है ना, 1,000। तो ये हमारा हो जाएगा नौकर का वेतन। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं, खाना पर कितना व्यय हुआ? चलिए फिर से दंडालेख एक बार देखते हैं, खाना पर, तो ये भोजन पर देख रहे हैं कितना खर्च है, ये 5,000। तो ये हमारा हो गया 5,000। अब है परिवहन तथा किराया के व्यय में कितना अंतर है? तो ये हम परिवहन का जो खर्च है, परिवहन का खर्च घटाओ किराया का खर्च, यही हमें प्राप्त करना है। तो देखते हैं परिवहन पर कितना खर्च हुआ था और किराया पर कितना खर्च हुआ था। तो यहां देखिए, परिवहन पर ये 6,000 खर्च हो रहा है और किराया पर 4,000। तो ये 6,000 घटाओ 4,000, अर्थात ये हो रहा है हमारा अंतर 2,000 रुपया। तो ये हमारा सही है। 5,000 रुपया खर्च किया गया, अभी हमने देखा किस पर खर्च किया गया था, भोजन पर। 6,000 रुपया खर्च किया गया, अभी हमने देखा था, आप फिर से एक बार देख लें, ये हमारा परिवहन पर खर्च हुआ। कुल मिलाकर कितना खर्च किया गया? तो आइए इसे जोड़ लेते हैं, कुल मिलाकर कितना खर्च है। तो कुल मिलाकर देखिए, यहां नौकर का वेतन है 1,000, यहां जोड़ लेते हैं 1,000, परिवहन पर है 6,000, किराया पर है 4,000 और भोजन पर है 5,000, फीस पर 2,000 और मनोरंजन पर है 3,000। तो इसे जोड़ते हैं, 1, 6, 7, 4, 11, 5, 16, 2, 18 और 3, 21, यानी ये हो रहा है हमारा 21,000। तो यहां पर हमारा ये ऑप्शन नंबर 1 है, 21,000। निम्न में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? तो ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमारा आंसर है 625, क्योंकि ये 625 जो है ये 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग होता है 625, तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या ये 163 में है। निम्न में से कौन संख्या पूर्ण घन है? तो ये हमारा 216 है, क्योंकि 6 का जब हम घन करते हैं तो यानी 6 × 6 × 6, तो ये हमारा आता है 216। प्रश्न संख्या 164, अनुपात 4:25 को प्रतिशत में बदलने पर होगा। तो कैसे प्रतिशत में बदलेंगे? देखिए, 4:5 यानी सॉरी 4:25, तो 4/25 और इसे गुना करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, तो ये 25 से हम इसको काटते हैं तो 4, यानी ये हो जाएगा हमारा 16%, ये हो गया। प्रश्न संख्या 165 में है, x²-2x+1 का मान होगा जब x=1 हो। तो यहां पर हम मान बैठा के देखते हैं, x² यानी 1² - 2 × 1+1 = ये 1 का स्क्वायर हो गया 1 - 2
प्लस वन, अर्थात ये वन और प्लस वन, ये टू हो गया माइनस टू, यानी ये हो गया शून्य। तो ये ऑप्शन नंबर चार हो गया। आशा है कि इन प्रश्नों की सहायता से आप काफी कई प्रश्नों को आप समझ चुके हैं। जो अगली बार देना चाह रहे हैं उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।